कोरोना मरीजों के शवों को डिस्पोज्ड करने के बाद खुले में शवों के बॉक्स, पीपीई किट और दूसरे सामान खुले में फेंकने की ये तस्वीरें गया से आई हैं, जहां एक ओर बिहार सरकार कैसे भी करके कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं स्वास्थ्य के ये कर्मचारी नीतीश सरकार के प्रयासों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। अगर बिहार में ऐसी ही लापरवाही और भी जगहों पर हो रही है तो यहां पर भी अमेरिका और ब्राजील जैसे हालात बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोरोना वायरस के इलाज की व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही सवालों के घेरे में है। ऐसे में संक्रमण के जरिए फैलने वाली इस महामारी को लेकर गया में घोर लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर फल्गु नदी के किनारे कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान इस्तेमाल किए गए ग्लव्स, पीपीई किट और शव बॉक्स को खुले में फेंका जा रहा है। स्थानीय निवासियों को डर है कि स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से पूरे इलाके में कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। 15 दिन पहले एक बॉक्स भेजा गया था, 3 दिन पहले एक बॉक्स, और फिर जब भी एम्बुलेंस आता है मेडिकल से तो ड्राइवर अपना सेफ्टी किट खोल खोल के बिक देता है, और ड्राइवर बोलता है कि हमें तो हर समय लाश लाने का एक सेफ्टी किट मिलता है। तो हम लोग इसे बोलते हैं कि भैया ये जगह सेफ्टी किट मत बिगा कीजिए, तो सेफ्टी किट मानता नहीं है, बिक के चला जाता है। बॉक्स मना करते हैं कि बॉक्स सही जलाइए, मगर कोई मानता नहीं है। भैया बड़ा बड़ा आदमी रहता है, हम लोग तो लेबर है कमाने खाने वाला, मना करते हैं तो कोई मानता नहीं है, तो अपना छोड़ देते हैं। तो क्या लगा था इस बॉक्स में? इस बॉक्स में इसमें था कोरोना वाला था, तो मना करते हैं तो इसमें झूठ भी बोला जाता है घर वाला, वो लोग बोल देते हैं कि नहीं इसमें हार्ट वाला पेशेंट थे। बहुत खतरनाक है भैया, कहीं कीजिएगा, हम लोग दुकान उकान खोले रहते हैं तो इससे बहुत हम लोग को भी जानलेवा हमला हो सकता है, हम लोग पे बीमारी फैल सकता है। इस जगह जितने भी व्यक्ति रहते सबके लिए जानलेवा है। लापरवाही का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हो गई है उनके शव बॉक्स को भी वहीं खुले में छोड़ दिया जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका है। खुले में इस तरह कोरोना के मेडिकल कचड़े को फेंकने की वजह से आसपास के लोग दहशत में हैं। वहीं जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी ऐसी लापरवाही रोकने की है, उन्होंने क्या दलील दी, आप भी सुन लीजिए। जो जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे बॉक्स के सहारे उसको शमशान घाट पर लिया जाता है, लेकिन वहाँ 2-3 बॉक्स फेंका हुआ है, ऐसा क्या कुछ करवाई क्या प्रावधान है इसमें? जी, नगर निगम को जिम्मेदारी दिया गया है शमशान घाट पे, जो एक विशिष्ट एक घाट को चिन्हित करके रखने के लिए, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव का अंतिम संस्कार होगा। आपके द्वारा ये चीज़ मेरे संज्ञान में आई है, उसको नगर निगम को निर्देश दिया जाएगा सुनिश्चित करने के लिए, और उनके द्वारा जो बेसिक साफ सफाई है शमशान घाट में एज वेल एज वहाँ पे जिन लोगों को बंदोबस्ती भी होती है उनके द्वारा भी ये सुनिश्चित कराया जाएगा। जहाँ तक व्यवस्था NMCS से या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से है, वो व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। हमारे पास मॉर्चुरी वैन है जिसके माध्यम से पूरे सम्मान के साथ किसी भी पार्थिव शरीर को हम लोग अंतिम संस्कार के लिए भेज सकते हैं। कोरोना महामारी की वजह से मरने वालों के शवों से संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए ICMR ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के कारण अस्पताल और चिकित्सीय देखभाल के दौरान हुई मृत्यु एक गैर MLC मामला है। इन शवों के पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है और इलाज कर रहे डॉक्टरों की ओर से डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दी जाए। अगर शवों की चीड़ फाड़ की गई तो मुर्दाघर के कर्मचारियों के ज्यादा सावधानी बरतने के बावजूद शरीर में मौजूद द्रव और किसी तरह के स्राव के संपर्क में आने से इस महामारी की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। ICMR ने भारत में कोरोना मौतों में मेडिको लीगल ऑटोप्सी के लिए जरूरी स्टैंडर्ड गाइडलाइन में कहा, इसके जरिए शव के निस्तारण में डॉक्टरों, मुर्दाघर के कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों में संक्रमण फैलने से रुकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना की वजह से हुई मौत के बाद पोस्टमार्टम और दफन की प्रक्रिया को लेकर पहले निर्देश जारी किए गए थे। कोरोना से हुई मौत के बाद इस गाइडलाइन में मृत शरीर से मॉर्चरी स्टाफ, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों में संक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी।
पहले के दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना संदिग्ध रोगियों के शव जिन्हें अस्पताल लाया जाता है उनको आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर द्वारा मेडिको लीगल मामलों के रूप में चिन्हित किया जा सकता है और इसे मॉर्चरी में भेजा जाएगा, फिर पुलिस को सूचित किया जाएगा जो मौत को लेकर कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन नए निर्देशों में कहा गया है कि इन मामलों की फॉरेंसिक शव परीक्षण में छूट मिल सकती है। ताजा जानकारी की माने तो बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,000 से भी ज्यादा हो गई है। फल्गु नदी के किनारे जहां कोरोना बीमारी से जुड़ा ये मेडिकल कचरा फेंका जा रहा है, वहीं शमशान घाट पर अन्य शवों का भी दाह संस्कार किया जाता है, जिससे यहां से कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है। गया से पंकज सिंह, बिहार तक।